नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं आप लोगों का फेवरेट यूट्यूब चैनल टेक प्रणव और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त प्रणव। आज हम सीखेंगे एचटीएमएल का सेकेंड ट्यूटोरियल, यानी आज का टॉपिक है हेडिंग एलिमेंट्स। एचटीएमएल में हेडिंग एलिमेंट के बारे में जानने के लिए आप लोग को हेडिंग एलिमेंट क्या है ये चीज जानना पड़ेगा। तो क्या है हेडिंग एलिमेंट? आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो न्यूज़पेपर में आप क्या देखते हैं? सुर्खियां देखते हैं, यानी हेडलाइन देखते हैं। कई तरह की हेडलाइन होता है, बड़ा या छोटा या भी कोई कई कई भी टाइप के आकृति के आपका हेडलाइन है, यानी सुर्खियां होता है। तो वेबसाइट में भी इस तरह के भी सुर्खियां होता है। वो कैसे इसको बनाया जा सकता है वो आज हम सीखेंगे इस ट्यूटोरियल में। हेडिंग यानी हेडलाइन बनाने के लिए छह तरह के एलिमेंट यूज कर किया जा सकता है, जैसे कि वन यानी H1 एलिमेंट, इसके बाद है दो तरह की H2, इसके बाद है H3, ये था आपका छह की छह एलिमेंट्स। इसका अब यूज हम देखेंगे वेब में। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक HTML फाइल को क्रिएट करना पड़ेगा। आप एक HTML फाइल क्रिएट कर लीजिए इस तरह के, जिसका नाम दीजिए एलिमेंट, एलिमेंट डॉट HTML। तो फाइल कैसे क्रिएट किया जा सकता है वो मैंने पहले जो ट्यूटोरियल था उसमें दिखाया है। तो आप लोग अगर वो ट्यूटोरियल नहीं देखा, अभी तक नहीं देखा है, तो आपके पास अनुरोध है वो जल्दी देख लीजिए। इसके बाद आप ये ट्यूटोरियल शुरू कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आपका ये ट्यूटोरियल। तो मैं यहाँ पर पहले H1 जो ट्यूटो एलिमेंट है इसके यूज करूंगा। तो यहां पर मैं लिखूंगा तो इसको हम अब से फिनिश करेंगे, एंड करेंगे इसको, इस एलिमेंट को। तो H1, तो इसको हर एक बार सेव करना पड़ेगा, कंट्रोल S देखें। तो इसके बाद हम इस फाइल को रन करेंगे ब्राउजर में। तो ब्राउजर या ये फाइल किधर है वो मैं ढूंढ के रन करूंगा, सॉरी। तो ये है एलिमेंट HTML फाइल। तो अब इसे हम लोग रन करेंगे। तो इसका ऊपर डबल क्लिक करने के बाद देखिए, अगर मैं इसको मार्ज बराबर यानी सेंटर में लेना चाहूं तो क्या करना पड़ेगा? इधर हम एक सेंटर को यूज कर देते हैं। देखिए अब इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा। तो F5 देखिए रिफ्रेश करेंगे। तो देखिए ये सेंटर में आ गया है। इसके बाद हम सीखेंगे H2 एलिमेंट के बारे में। इसके आसान करने के लिए मैं
दिखा रहा हूं आपको। और यहां पर मैंने नीचे नीचे लिखने के लिए मैंने br टैग का यूज करूंगा। इस br टैग के जरिए आप कोई भी लाइन को ऊपर नीचे ले सकते हैं। मैंने इसको कॉपी पेस्ट कर दिया है। आप लोगों के सामने मेरा रिक्वेस्ट है, अगर आप पहला पहला सीख रहे हैं तो आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज आप कॉपी पेस्ट मत कीजिए, इससे आप सीख नहीं पाएंगे। आप जैसे जैसे मेहनत करेंगे उस दौरान आप सीख पाएंगे। तो इसको सेव कर लूंगा। उसका बाद मैं यहां पर रिफ्रेश करूंगा। तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ, एक के बदले दो होगा, यानी वन के बदले टू होगा। इसके बाद थ्री, इसको हम ठीक कर देते हैं। फोर, इसके बाद इसको भी फोर कर देते हैं। इसका फाइव, फाइव, सिक्स, और इसको भी सिक्स कर देते हैं, इसको उठा देते हैं। तो देखिए क्या होता है। तो ये था आपका एलिमेंट। तो इसको बाद हम इसको डिस्कस करेंगे। तो पहले आइए आपका नोटपैड प्लस प्लस में। तो ये है H1, यानी ए वाला हेडिंग H1 से। H2 से आपको आएगा ये वाला, H3 से ये वाला, H4 से ये वाला, H5 से ये वाला, और H6 से ये वाला। ये सबसे H1 का मतलब है सबसे बड़ा हेडिंग होगा, और H6 का मतलब है सबसे छोटा वाला हेडिंग होगा।